तो गाइस ये है पिक्सल 6 और रिसेंटली मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया है 2023। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके 5 बेस्ट पॉइंट्स और 5 वर्स्ट पॉइंट्स फॉर यू। एंड में मैं जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो बाकी किसी भी एंड्रॉइड फोन में अवेलेबल नहीं है, सो मेक श्योर करो उसको ध्यान से सुनो ताकि आप सिंपली आपका एक डिसीजन ले पाए। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए, काफी क्रिस्प सिंपल और शॉर्ट होने वाला है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके वर्स्ट पॉइंट्स की। सबसे पहला वर्स्ट पॉइंट है इसका डिस्प्ले। अब ये जरूरी नहीं है ये सबके लिए एक वर्स्ट पॉइंट हो, बट काफी लोगों ने इसके बारे में ये एक बहुत बड़ी कंप्लेन की है कि इसका जो डिस्प्ले है वो अप टू द मार्क नहीं। पहले तो ब्राइटनेस बहुत कम है compared to competitors. उसी के साथ अगर मैं बात करूं refresh rate, तो यहां पे आपको 60 hertz का refresh rate मिलता है, जहां पे competition आपको 120 hertz, 144 hertz ऐसे display के refresh rate दे रही है। This does not mean the screen is bad. Screen बुरी नहीं है, but with respect to competition, ये कहीं ना कहीं पीछे पड़ जाता है। Second, pricing. अब ये बहुत लोग आपको नहीं बताएंगे कि भाई इसकी प्राइसिंग में प्रॉब्लम है, बट दैट इज द ट्रूथ। इसकी प्राइसिंग आप कभी फ्लिपकार्ट देखोगे तो 43,000 जाती है, कभी 30,000 जाती है, 33,000 जाती है और कभी 27,000 जाती है। तो जो लोग 43 में लेते हैं उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, विच आई डोंट थिंक इज अ गुड थिंग। तो जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ एंड इंपॉर्टेंट डेट्स पे इस फोन को हमेशा सेल पे रखता है फ्लिपकार्ट। सो प्राइसिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस फोन के साथ, एंड ये गूगल का प्रॉब्लम है या फ्लिपकार्ट का प्रॉब्लम है आई हैव नो आइडिया, बट दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स अबाउट दिस फोन। तो थर्ड थिंग जो आती है इसकी चार्जिंग। इन 2023 आई डोंट फील चार्जिंग इतनी स्लो होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि चार्जिंग एक ऐसी चीज है जो आजकल बहुत ज्यादा इसेंशियल बन गई है एंड पीपल आर नॉट यूज टू ऐसे स्लो चार्जिंग, राइट। आप किसी को भी देखोगे फटाफट चार्ज करके निकलने में की देरी में होते हैं, राइट। तो कोई स्लो चार्जिंग से इतना यूज टू रहा नहीं है, क्योंकि हर कंपनी अभी आपको 65 वॉट, 120 वॉट और उससे भी ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। आई फील दैट इज अ प्रॉब्लम विद दिस फोन। चार्जिंग बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है। इसके साथ ये भी है कि इसकी बैटरी लॉन्जेटिविटी और बैटरी लाइफ अच्छी है, आई वोंट से द बेस्ट है बट अच्छी है। मेरा डेली ड्राइवर फोन है ये, एंड काफी बार ऐसा हुआ है कि यार मेरे को बहुत जल्दी चार्जिंग करने की जरूरत है, बट ये इतना स्लो चार्ज होता है कि यार टाइम वेस्ट हो जाता है। सो चार्जिंग इज अ मेजर पार्ट विच आई फील इज प्रॉब्लमैटिक। जो फोर्थ चीज है वो है इसका प्रोसेसर। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, इस प्रोसेसर के अपने कुछ बेनिफिट्स जो मैं आपको लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में बताने वाला हूँ। ये प्रोसेसर एकदम अच्छा परफॉर्मेंस वाला नहीं है, ठीक है। रियलिटी ये है कि ये इंटेंडेड डेली नीड यूजर्स के लिए, ये गेमिंग के लिए इंटेंडेड नहीं है। तो आपको गेमिंग के लिए जो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स होती है वो नहीं मिलेगी। सी, आप डे टू डे टास्क कर रहे हो, अपना फोन यूज कर रहे हो, वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई लैग नहीं आएगा, कोई स्टटर नहीं आएगा। बट अगर आप गेमिंग करते हो वहां पे ये उतना परफॉर्म नहीं कर पाती है जितना नॉर्मली बाकी चिप्स कर पाती है, ठीक है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। काफी ज्यादा जो पॉपुलेशन है जो आजकल ये 30,000 वगैरह की रेंज में फोन खरीद रही है, दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट गेमिंग परफॉर्मेंस, और यहाँ पे ये कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, विच इज अनदर प्रॉब्लम। एंड द फिफ्थ एंड द फाइनल प्रॉब्लम, जो आई थिंक काफी लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं भी है, इसमें ना आपको बहुत एक्स्ट्रावेगेंट फीचर्स नहीं मिलते। ऐसे नहीं है कि आप 100-150 लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन कर पा रहे हो, ये कर पा रहे हो, वो कर पा रहे हो, ऐप लॉक आ रहा है, ये सब नहीं मिलता। दिस इज नॉट इंटेंडेड फॉर दैट पर्पज। अभी इवन दो इट इज नॉट इंटेंडेड फॉर दैट पर्पज, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके लिए ये यूज के लिए इंटेंडेड है, तब भी कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आई थिंक एक इंडियन ऑडियंस को एक्सपेक्ट होने लगे हैं अपने फोन से, जो इस फोन में अवेलेबल नहीं है। काफी एक यू नो स्ट्रेट गोइंग फोन है, तो काफी ऐसे उल्टे फुलटे फीचर्स है जैसे चेंजिंग फिंगरप्रिंट एनिमेशन वगैरह, जो काफी लोगों को पसंद आते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर रिक्वायर्ड, बट काफी लोगों को पसंद आते हैं, जो आई थिंक ये फोन नहीं देता है, विच माइट बी अ प्रॉब्लम फॉर अ फ्यू पीपल, ठीक है। आप तो ये कर ली हमने बुरी बातें, चलो अच्छी बातें करते हैं। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, एंड आई थिंक अच्छी बातों में सबसे बड़ी चीज जो मेरे हिसाब से है वो है भाई इसका कैमरा। बहुत प्यारा कैमरा है, और मैं बैक कैमरा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके फ्रंट कैमरा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बट वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सो बैक कैमरा की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही उमदा कैमरा है। इनफैक्ट MKBHD की ब्लाइंड कैमरा टेस्ट में ये फोन को टॉप स्पॉट मिला था, ये जीत गया था वो कंपटीशन, इन कंपैरिजन टू इवन आईफोन 14 प्रो प्रो मैक्स, जो भाई इससे कई ज्यादा महंगे। तो इस फोन का कैमरा मैं बोलूं तो बहुत ही बढ़िया है, इससे फोटो लेने में बहुत मजा आता है। एंड इसके साथ हम अगले पॉइंट पे जाते हैं, जो पॉइंट नंबर 2, सॉफ्टवेयर फीचर्स। अब सॉफ्टवेयर अपडेट भी अलग एक पॉइंट है, बट सॉफ्टवेयर फीचर्स मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला इसके साथ फोटो लेने में बहुत मजा आता है। तो आपके स्क्रीन पे दो फोटोज आ रही है, एक फोटो जहां पे आपको दिख रहा है कि यार लाइंस हैं, जो रेलवे के लिए जो इलेक्ट्रिकल लाइंस होती है वो दिख रही होंगी। अब देखिए इस फोटो में सारी की सारी इलेक्ट्रिकल लाइंस और पोल्स गायब हो गए हैं।
सो दैट इज द मैजिक इरेजर फीचर्स. और ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो पिक्सल फोन्स को मिलते हैं, विच आई फील इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. तो ये कुछ बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं जो इस फोन को मिलते हैं. विच ब्रिंग्स अस टू आवर थर्ड पॉइंट, विच इज द टेंसर चिप. मैंने बोला टेंसर चिप परफॉर्मेंस में बहुत उमदा नहीं है, दैट्स ट्रू, बट AI परफॉर्मेंस में वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट चिप्स है. एंड दैट इज वॉट आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो. एक ऐसा पॉइंट जो किसी एंड्रॉयड फोन में बाकी नहीं मिलेगा वो है टेंसर चिप की AI स्पेशलिटी. यहाँ पे अगर आप इसके मैजिक इरेजर को यूज करोगे और Xiaomi या Samsung के मैजिक इरेजर के वर्जन को यूज करोगे तो आपको पता चलेगा Google does it way better. वो इसलिए है क्योंकि आपकी जो टेंसर चिप है उस टेंसर चिप में एक्स्ट्रा AI कोर्स होते हैं जो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं और स्पेसिफिकली इन टास्क के लिए डिजाइन किया गया है उसको, राइट. तो इवन तो गेमिंग में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इन टास्क में इस फोन की परफॉर्मेंस क्रेजी है. और इतना ही नहीं, जो लाइव ट्रांसलेशन फीचर है कि आप कहीं जाते हो इंस्टेंट लाइव ट्रांसलेशन जो होती है उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा AI कैपेबिलिटीज लगती है जो इस फोन में अवेलेबल है. मैंने खुद देखा है, मैंने एक बार डिक्टेशन करके देखा है इस फोन में, जहां पे मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको टाइप करना है, सो वॉइस टू टेक्स्ट. इतना एक्यूरेसी, एस्पेशली हिंदी जो आपकी टोनैलिटी होती है उसके साथ काफी फोन भाई पकड़ ही नहीं पाते. बिक्सबी यूज किया था मैंने S22 अल्ट्रा में, ठीक है, आधे टाइम उसको समझ नहीं आता था मैं बोल क्या रहा हूँ. यहाँ पे जो वॉइस टू टेक्स्ट भाई रिकॉग्निशन है वो क्रेजी है, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ द टेंसर चिप. अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट की तरफ जो है अपडेट. अब आपको पता है गूगल ने सॉफ्टवेयर बनाया है तो ऑब्वियसली इस फोन की जो परफॉर्मेंस होगी सॉफ्टवेयर वाइज वो बहुत क्रेजी होगी. क्यों? बिकॉज अगर आप अपडेट की बात करते हो, गूगल इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल टू अपडेट दिस फोन बिकॉज एंड्रॉइड वही बनाते हैं. तो इसके अपडेट जो होते हैं वो सबसे फास्ट आते हैं, सबसे क्विक आते हैं और सबसे बढ़िया आते हैं. इसमें एक पॉइंट है जो आई थिंक मेरे को प्रॉब्लमेटिक लगता है विद रिस्पेक्ट टू गूगल, वो है कि 5G अपडेट अभी भी किसी भी पिक्सल फोन में नहीं आया है, विच इज प्रॉब्लमेटिक, बट वो फर्स्ट क्वार्टर में इस साल के आने वाला है. तो सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में सिक्योरिटी में सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि बहुत फटाफट इसको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं. उसी के साथ इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स में पिक्सल ड्रॉप नाम की चीज आती है जो ये नए नए फीचर्स अपने पिक्सल फोन में ऐड करते रहते हैं, विच आई फील इज वेरी वेरी कूल एंड वेरी गुड फॉर द यूजर्स, राइट. सो अगेन वहां पे गूगल ने इसको बनाया है, इसका फायदा होता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अपडेट फटाफट आते हैं. एंड्रॉइड बीटा वर्जन, आपको पता है जब भी कोई नया एंड्रॉइड वर्जन रिलीज होता है सबसे पहले वो पिक्सल को आता है, इवन बीटा वर्जन सबसे पहले पिक्सल को आता है, और वो चीज Pixel 6a के साथ भी होती है, which again is a very good thing. See, अगर आप किसी फोन के लिए 60,000, 70,000 दे रहे हो और वहां पे आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल रहे हैं, इट्स अज्यूम्ड कि आपको अच्छे सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे. बट 30,000 में कितनी कंपनियां हैं जो अच्छे से आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट दे रहे हैं विथ ऑल द लेटेस्ट फीचर्स? इट्स ओनली गूगल पिक्सल. तो वो एक बहुत बढ़िया चीज है. एंड फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट है इसका डिजाइन. अब आप सोच रहे हो भाई पागल वागल हो गया क्या, इससे बेटर दिखने वाले फोन आते हैं. एंड दैट इज ट्रू, इससे बेटर दिखने वाले फोन आते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट द लुक्स, राइट, इट इज अबाउट द फील. किसी भी पिक्सल 6 से यूजर से पूछो, इतना ईजी है इस फोन को ऑपरेट करना, इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी. बहुत ही ईजिली ये फोन ऑपरेट हो जाता है एंड यू नो इट्स वेरी ईजी टू यूज. तो यूजिबिलिटी के मामले में ये फोन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उमदा है एंड ऐसे नहीं लगता कि आपका हाथ थक रहा है वाइल यूजिंग दिस. सो गाइज आज के वीडियो के लिए इतने ही पॉइंट्स थे. अगर आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप पिक्सल खरीद रहे हो या नहीं खरीद रहे हो तो जरूर कमेंट करके बताना. आज के वीडियो के लिए गाइज इतना ही था. थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन.